नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। पास्ट वीक तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो को प्रॉपरली एडिट नहीं कर पाई हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि हर सैटरडे आप सब बहुत ही उम्मीद के साथ में मेरा चैनल विजिट करते हैं टू वॉच फ्रेश कॉन्टेंट। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में पास्ट 3 मंथ्स के जो भी मोस्ट वॉच्ड क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग हैक और टिप्स हैं वो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो रिसेंटली हमें चैनल के ऊपर ज्वाइन करते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को इस तरीके से कंपाइल किया जाए ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा। फ्रेश कंटेंट आप नेक्स्ट वीक सैटरडे को जरूर देखेंगे। रिसेंटली मैंने एक कॉमेंट रिसीव करा कि दाल चावल बनाते टाइम कभी कभी प्रेशर कुकर में से पानी बहुत बाहर आता है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि कभी कभी हमें पानी का अंदाज़ा नहीं रहता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसमें एक चम्मच घी या फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। यहाँ पर मैं आम ऐड कर रही हूँ बिकॉज गर्मियों के टाइम पर हमें आम वाली दाल बहुत पसंद है जो मेरी नानी बनाती है। फिर इसे आप प्रेशर कुक करिए, इससे पानी कम बाहर आएगा। और एक और तरीका है, अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना रहे तो आप एक स्पून लेके कुछ इस तरीके से प्रेशर कुकर में ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप इसे जैसे कुक करते हैं वैसे कुक करें। अगर फिर भी प्रेशर कुकर में से पानी बाहर आ रहा है तो आप टिश्यू पेपर लें, विसिल हटाएं और कुछ इस तरीके से टिश्यू पेपर फिक्स करके इसके ऊपर विसिल लगाएं। पानी तो निकलेगा लेकिन इधर उधर स्प्लैश नहीं होगा, टिश्यू पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जब प्रेशर कुकर में से सीटी निकल जाए, ठंडा हो जाए ये, तो आप इसमें से टिश्यू हटा सकते हैं। घर अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो तो चीज़ें टाइम पे मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बहुत कम बॉक्स रखे हैं और एक ही बॉक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिसकी वजह से इसे एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है। अब ये वाले जो बॉक्सेस हैं काफ़ी टाइम से मेरे पास घर पर पड़े हुए थे, जो कि मुझे पूजा में एज अ गिफ्ट मिलते हैं, जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर रही थी। देन आई थॉट कि अगर इनकी लिड हटाई जाए तो ये एकदम एप्रोप्रिएट साइज़ के बॉक्सेस हैं, पार्टीशन भी क्रिएट करेंगे और इस छोटे से स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन बॉक्स को रखा और इसके अंदर स्टेशनरी का जो छोटा मोटा सामान होता है, जैसे कि पेपर क्लिप्स, बाइंडर क्लिप्स, हेडफोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी। कभी कभी थोड़ा सा अलग सोचने से चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। ये ड्रॉअर काफ़ी टाइम से अनऑर्गेनाइज था, तो मैंने सोचा चलिए इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले शेल्फ लाइनर्स, वो भी एंटीस्किड। अब इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मोबाइल या लैपटॉप के बॉक्सेस ही यूज़ करने वाली हूँ, या फिर आप इस तरीके से बॉक्स का टॉप कवर रिमूव करके इसे ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल या फिर जो लैपटॉप के बॉक्सेस होते हैं, इसकी जो टॉप कोटिंग होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक पेपर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मोल्ड या बैक्टीरियाज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर मैं पेपर क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ इन बॉक्सेस को अच्छी तरीके से होल्ड करने के लिए, बिकॉज ये बॉक्सेस डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं और अपनी जगह से ये डिस्प्लेस ना हो, इस वजह से इस तरीके से पेपर क्लिप लगा के मैं इसे फिक्स कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए पार्टीशंस क्रिएट करिए अपने स्पेस और नीड के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर एक और प्रो टिप, ओवन मिट्स को प्रॉपर अच्छे से होल्ड करने के लिए आप एक बड़ा पेपर क्लिप ले सकते हैं और फिर कुछ इस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज करिए, स्पेस बहुत कम लेगा। अब मैं तो किचन का एक ड्रॉअर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, हो सकता है आप आज इंस्पायर होके अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रहे हों, तो ये हैं काफ़ी पुराने ऑयल डिस्पेंसर्स जिनको मैंने बहुत टाइम पहले होम सेंटर से परचेज करा था। आप देखोगे कि इनका प्रिंट बिल्कुल नहीं निकला और ये देखने में एकदम ब्रांड न्यू लगते हैं, लेकिन इसका ये जो पोरिंग वाला साइड था वो बीच से ब्रेक हो गया, प्लास्टिक खराब हो गई, तो मैंने सोचा इसे कम्प्लीटली डिस्कार्ड करने की जगह इसे DIY प्लांटर या बेस में तो कन्वर्ट किया ही जा सकता है। पानी डालिए और उसके बाद में आप ओरिजिनल प्लांट या फिर फ्लावर्स लगा करके अपने किचन को, डाइनिंग टेबल को या फिर किसी भी कॉर्नर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे समर्स या मॉनसून में अम्ब्रेलास इस तरीके से रखने पर दे कैप्टन फॉलिंग।
फॉर दिस यू डोंट नीड एनी ऑर्गेनाइजर और बास्केट, आप पुराना मटका यूज कर सकते हैं। एक कॉर्नर पर रखिए और कुछ इस तरीके से उसमें अम्ब्रेलास ऑर्गेनाइज कर दीजिए, या फिर इसे अच्छे से पेंट करिए, डेकोरेट करिए और इस तरीके से फॉयर या फिर एंट्रेंस पर रख करके जो भी आपके अम्ब्रेलास हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करिए। ये देखने में भी सुंदर लगेगा और इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारा घर भी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। घर को ऑर्गेनाइज रखते टाइम जितना हो सके फ्लोर स्पेस को क्लियर रखना चाहिए। इसके लिए आप वॉल स्पेस को यूज करिए चीजों को हैंग करने के लिए। जैसे डोर के पीछे मैं छोटा सा आइनिंग बोर्ड और मॉस्किटो नेट यहाँ पर एक नील के ऊपर हैंग करके रखती हूँ। यूज करना भी ईजी है, डोर के पीछे है तो विजिबल भी नहीं रहता है। In my son's room, also in the same way, I'm using this space behind the door, जो कि मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है। कुछ ऐसे टॉयज जिन्हें आप हैंग करके यहाँ पर रख सकते हैं उन्हें डेफिनेटली हैंग करिए। इन दिस वे आप फ्लोर को जितना ज्यादा हो सकेगा क्लियर रख पाएंगे। रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि जो वाईफाई मोडेम्स होते हैं हम इन्हें कैसे हाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट लुक सो एस्थेटिकली प्लीजिंग इन साइड द लिविंग रूम। टू हाइड देम यू कैन यूज एनी बिग स्क्वायर बास्केट। ये एक बैम्बू की बास्केट है जिसे मैंने लोकली किसी फ्लावर शॉप से परचेज करा था। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया बाहर की तरफ निकला हुआ है इसमें मैंने मोडेम और इसके साथ के बाकी अटैचमेंट कुछ इस तरीके से रख के इसे वॉल के अगेंस्ट मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसको ऐसे हाइड करने के दो फायदे हैं, देखने में भी सुंदर लगता है, वायर्स भी हाइड हो जाती हैं, प्लस क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। Having the floor mats throughout your home is a good way to protect your floor from everyday spills. And you know, the basic intent of having floor mats is to protect the floor from dirt, stains, and spills. Use them in the most trafficked area in your home, like the kitchen, one close to the hob and one near the sink. When you keep a runner near a hob, it will help to keep floor clean while you make rotis. A bedside runner to keep your bed sheets free from dust. You have a place where you sit the most, like we have this chair, then keep a mat. Rub your feet to remove loose dust. By keeping this, you don't have to frequently clean your couch or sofa. Keep on changing them every week with fresh and clean mats. If you're living on rent with no plan to buy specific drawers, or you may have no drawers in your study desk and you always struggle to keep your stationery organized at one place, then don't worry, because you can use these kind of pocket hanging organizers which can be easily hung like this right above your study desk. You can keep your pencils, color, pens organized in these pockets. You can also get the option of multiple pockets where you can arrange many things. These hooks gives you an extra option to hang headphones and other things. If you're struggling, give it a try to organize your desk. Very recently, I got a comment where I've been asked how to organize helmets, and we have four such helmets to keep. So here is what you can do. Just take these kind of collapsible wooden hangers, which can be adjusted according to your need and space. Now, the point is to keep it in your utility space. So this is the kind of utility room for us. Now, on this, very easily, four helmets can be organized. You don't have to keep it on the table, which unnecessarily occupies the space. Using your vertical space can help you a lot. Now, we just have one helmet in our home, so I like to keep it in the foyer in this utility console unit, where I mostly organize the stuff which we need when we go out, like helmets, goggles, purses, keys and... ये मेरी recent discovery है और इस product का नाम है Damp Duster. इसे मैंने Amazon से purchase करा है और ये product एक plastic packet में आया था जिसकी वजह से ये duster एकदम damp था. अब बहुत कॉमन होता है बेसबोर्ड्स, जिन्हें हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं जब हम क्लीन करते हैं,
तो आपको इस डस्टर को जब इसे आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे आपको गीला करने की भी जरूरत नहीं है, पैकेट से आप जब निकालेंगे तो ये डैम्प होगा, तो आप इससे डायरेक्टली इस तरीके से बेसबोर्ड्स को क्लीन कर सकते हैं। एक बार बेसबोर्ड क्लीन हो जाता है तो और भी ज्यादा देखने में वॉल सुंदर लगने लगती है। मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं विंडो ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए, आप डैम डस्टर का यूज कर सकते हैं, ये एक स्पॉन्ज है तो ये किसी भी नैरोएस्ट ट्रैक में बहुत इजीली इंसर्ट हो जाता है और फिर कुछ इस तरीके से उसे क्लीन कर देता है। एंड आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी हाल क्लीन करा है, एंड सी कितना सारा डस्ट यहाँ से बाहर आया है। जब भी शेविंग करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स पॉजिशन में आकर के रह जाते हैं, तो बस डैम डस्टर को थोड़ा सा गीला कर लें अगर वो ड्राई हो गया है, और कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें भी बहुत इजीली वॉशबेसिन से रिमूव कर सकते हैं विदाउट टचिंग डैम। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, डैम डस्टर जब भी गंदा हो जाता है तो उसे क्लीन करने के लिए आपको हाथ से उसे क्लीन नहीं करना है, बस इस तरीके से पानी के नीचे रखिए, सारा का सारा डस्ट उसमें से रिमूव हो जाएगा। जब भी आप इसे क्लीन करते हैं अगर ये ड्राई हो जाता है तो पहले से वेट जरूर। एक और अमेजिंग सा प्रोडक्ट और इसका नाम है गैप डस्टर। गैप्स में से डस्ट आप इसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। सोफे के ये जो फोल्ड्स होते हैं जिसमें कभी कभी क्रम्स या डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्लिमजी है एंड दिस इज माई एक्सपेरिमेंट कि आप इस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आइडियल यूज है वो है जब दो फर्नीचर के बीच में बहुत टाइनीस्ट गैप हो, तो आप इस गैप डस्टर को यूज करके उस गैप में अगर कोई कोबवेब है या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन्हें आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फ्रिज, सोफा या बेड के नीचे से इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। हेडबोर्ड के पीछे या इस तरीके से फर्नीचर वॉल से जब अटैच होता है तो वहां पर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब नेक्स्ट इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon एंड दिस इज मिनी पोर्टेबल मॉप, यानी कि ये एक बटरफ्लाई मॉप की तरह ही है, बस इसे पुश करेंगे तो ये मॉप ओपन हो जाएगा, लेकिन इससे हम फ्लोर को मॉप नहीं करेंगे, घर के और जो चीजें होती हैं उनको मॉप करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि आपके घर में जो भी ग्लास के डोर्स या विंडो हैं उसमें ग्लास क्लीनर स्प्रे करिए और कुछ इस तरीके से डोर्स को विंडोज को आप बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। घर में जो मिरर्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आपको न्यूज़पेपर या वाइपर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्प्रे करिए और इसकी हेल्प से आप इसे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे कैबिनेट्स के डोर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो है ना एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, और इस एक सिंगल प्रोडक्ट के आप अपने हिसाब से मल्टीपल यूजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप इसे यूज करना चाहें। मैंने अपने लास्ट क्लीनिंग टूल वीडियो में आप सबके साथ में ये सिलिकॉन बॉटल क्लीनिंग ब्रश शेयर किया था, जो बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसका हैंडल काफी छोटा है जिस वजह से मैं बड़ी बॉटल्स इससे क्लीन नहीं कर पा रही। तो अभी रिसेंटली मैंने ये एक लॉन्ग हैंडल वाला बॉटल क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था, जिसके ब्रिसल्स नॉर्मल ब्रश जैसे ही हैं, बट हाँ इसका जो हैंडल है वो काफी फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मैं अच्छी तरीके से इसे बेंड कर पाती हूँ और जो सारे के सारे साइड्स हैं बॉटल के उसे क्लीन कर पा रही हूँ। दोनों ब्रश अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बस हाँ मुझे एक लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश चाहिए था, जिसे मैंने इस बार Amazon से ऑर्डर करा, एंड दैट ब्रश इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। इसे आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। गुड थिंग अबाउट दिस ब्रश इज क्योंकि इसका हैंडल लॉन्ग है तो इसे मैं किसी होल्डर में नहीं रख सकती हूँ, तो इसके साथ में इस तरीके से हैंग करने के लिए एक थ्रेड भी लगा है, तो बस इसे हैंग करके हम रख सकते हैं। तो ये है आज का पहला प्रोडक्ट और इसका नाम है बारबेक्यू कुकिंग टूल, जो कि फ्राइंग और फूड को फ्लिप करने के लिए यूज आता है, लेकिन आप इसे आपके एवरीडे किचन कुकिंग में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। बिग स्पैचुला होने की वजह से इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है, स्पेशली जब आप इस तरीके से ब्रेड, पिज्जा या फिर सैंडविचेस बना रहे हो तवा के ऊपर। तो देखिए इससे आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं और ब्रेड को कुछ इस तरीके से टोंग की हेल्प से फ्लिप भी कर सकते हैं।
जब आप आपके वुडन स्पैचुलास इस तरीके से कैरी करते हैं तो कभी कभी सैंडविचेस या ब्रेड तवे के नीचे चले जाते हैं, बट क्योंकि ये टोंग है तो इससे होल्ड करके फ्लिप करना और सर्व करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो है ना, ये एक बहुत ही ईजी सा टूल जिसकी हेल्प से आपका किचन में काफी सारा टाइम सेव होगा। कभी कभी किचन के अंदर स्पेस कम होने की वजह से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिन्हें हम नेस्ट या फिर स्टैक करके ड्रॉर्स में रख पाएं और जब हमें इसकी जरूरत हो हम इसे यूज कर पाएं। आज मैं आप सबके साथ में ऐसा ही एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूं जिसे आप कुछ इस तरीके से स्टैक करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले है ये ग्रेटिंग प्लेट, कोलैंडर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए, और लास्ट में इस तरीके का एक बड़ा सर्विंग या प्रिपरेशन बोल। ये कुछ इस तरीके से स्टैक हो जाता है और फिर आप इसे ड्रॉर्स में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आती है ये ग्रेटिंग प्लेट जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रेटर्स दिए गए हैं, जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप वेजिटेबल्स को ग्रेट कर सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला सर्विंग बोल है उसमें सारी वेजिटेबल ग्रेटेड कलेक्ट हो जाती है। आप इस कोलैंडर की हेल्प से आप जो भी आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उन्हें वॉश कर सकते हैं। बस आपको इस कोलैंडर को जो सर्विंग बोल है उसके अंदर फिट करना है और फिर इसमें आप पानी को भर लें और उसके बाद में आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स को क्लीन कर सकते हैं। एंड सी, सारा का सारा पानी नीचे सर्विंग बोल में स्ट्रेन हो जाएगा। है ना इजी सा प्रोडक्ट, और फिर इसे स्टैक करके आप अपने ड्रॉर में रख सकते हैं। हम स्टैकेबल प्रोडक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आप सबके साथ में कुछ और स्टैकेबल प्रोडक्ट्स जिन्हें मैंने अभी रिसेंटली Amazon से परचेज किया था आप सबके साथ में उसे शेयर कर रही हूँ। तो ये आया है 3 के सेट में और ये हैं स्टैकेबल या फिर नेस्ट होने वाले सर्विंग बोल्स जिन्हें आप जैसे चाहें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और ये स्टेनलेस स्टील के हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला बोल है उसका लिड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगी वो ये थी कि जो लिड है वो एकदम फ्लैट है। तो आप इन बोल्स को कुछ इस तरीके से स्टैक करके एक के ऊपर एक किचन के अंदर रख सकते हैं, सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गरम गरम जो भी आपने सब्जी वगैरह बनाई हो उसे इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर आप इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। ये एकदम वैक्यूम सील्ड लिड है, जब आप इसमें लिड लगा देते हैं तो एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और कुछ भी स्पिल नहीं होगा। एंड आफ्टर यूजिंग देम आप कुछ इस तरीके से स्टैक कर सकते हैं लिड्स को भी और फिर आप इसे अपने ड्रॉर में रख दीजिए। मैं आप सबके साथ में एक और छोटी सी हैक शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी यूटेंसिल्स परचेज करते हो मेक श्योर करिए कि आप इस तरीके के बर्तन में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसे आप इजिली स्टैक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करिएगा कि सेम साइज के दो बर्तन आपके पास ना हो, अदरवाइज उसे स्टैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वी आर डन। रिसेंटली मुझे पूछा गया कि जो हमारे वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं अगर हमें इमिजिएटली आयरन ना करना हो तो उन्हें कहाँ रखें। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और प्रॉब्लम फेस करती हूँ। मैं जैसे ही ड्राइंग रॉड को नीचे उतारती हूँ, कपड़े हटाती हूँ, तो मुझे बार बार रूम के अंदर जा कर के इन कपड़ों को बेड पर रखना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है बार बार इन एंड आउट करने में। तो मैंने रिसेंटली इस तरीके का एक फोल्डेबल लॉन्ड्री बास्केट परचेज करा है जिसका शेप रेक्टेंगल है। आप इसे इस तरीके से कोलैप्स करके वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं जब भी आपको यूज़ ना करना हो, और जब भी आपको यूज़ हो इसे वापस निकालिए, शेप में लाइए, इस तरीके से बालकनी के फ्लोर में रखिए और सारे के सारे कपड़े रॉड में से निकाल करके आप इस बैग में कलेक्ट करते जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस बैग की, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो और आपको इमिजिएटली कपड़ों को आयन या फोल्ड ना करने का मन हो तो इसमें एक ड्रॉ स्ट्रिंग दिया गया है, आप इससे जो बैग है उसे कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ पर रख दीजिए। गार्बेज बैग रोल्स अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये कभी कभी बैग्स के रोल्स अपने आप ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके का फ्रूट या वेजिटेबल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से रोल करिए, रोल को बॉक्स के अंदर डालिए, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकाल के बॉक्स को क्लिप कर दें। आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 रोल एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। हर बॉक्स में होल्स होते हैं तो हैंगर बनाने के लिए थ्रेड आप इसमें टाई कर सकते हैं और फिर किचन में या फिर यूटिलिटी एरिया में नेल या फिर कमांड हुक के ऊपर आप इसे हैंग कर दीजिए और बहुत ईजली आप देखिए आप बैग को पुल कर सकते हैं।
या फिर आप मैन्युअली एक होल क्रिएट कर लीजिए अगर आप इसमें थ्रेड नहीं लगाना चाहते हैं, देन ऑल्सो आपका जॉब बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा और बैग्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। बच्चे अपने कुछ टॉयज को आउटग्रोन करते हैं तो उनके बॉक्स भी खाली होते होंगे, स्पेशली वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो काफी ज्यादा स्टर्डी हो, आप उन्हें यूज कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर मैंने बर्लैप क्लॉथ के छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करके पीछे के साइड डबल साइडेड टेप लगा दिया है ताकि मुझे ग्लू या फिर ग्लू गन को भी यूज ना करना पड़े। अब ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसके चारों साइड में मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जो टेप है उसकी हेल्प से इन बाउंड्रीज को कवर कर दूंगी। अब इसे ट्रे का प्रॉपर शेप देने के लिए मैं बर्लैप क्लॉथ का पीस ऊपर की तरफ भी लगाऊंगी। दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो बैक साइड को भी कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने स्टेंसिल आर्ट किया है, आप चाहें तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। और हमारा DIY ऑर्गेनाइजर रेडी है, आप इसे कॉफी टेबल पर रखें या फिर ड्रेसिंग यूनिट पर अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस नेक्स्ट आइडिया में मैं आप सबके साथ में दो चीजें जिन्हें हम बेसिकली डिस्कार्ड कर सकते हैं ये सोच के कि ये खराब है। पहला तो है वो ग्लासेस जिनके सेट खराब हो जाते हैं या बीच से कहीं खराब हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, और आपके लेफ्ट ओवर वॉलपेपर्स जिनके बारे में मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं। तो ग्लास के साइज के अकॉर्डिंगली वॉलपेपर को कट कर लीजिए, एडहेसिव को पील करिए और कुछ इस तरीके से इसे ग्लास के अक्रॉस आपको रैप कर देना है। अब अगर आपका स्टडी डेस्क थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, पेन और पेंसिल इधर उधर पड़े हुए हैं, तो आप डेफिनेटली इन ग्लासेस को यूज कर सकते हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दिया है पेन्स और पेंसिल्स को रखने के लिए, और फिर आप इससे अपनी स्टडी डेस्क बहुत हद तक ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। शेल्फ में कभी कभी बुक्स ऐसे फॉल करती हैं, सो टू अवॉइड दैट यू कैन मेक योर ओन DIY बुक एंड। तो ये है वुडन ब्लॉक्स या फिर जेंगा जो बच्चों के टॉयज होते हैं, और इस तरीके के सिरेमिक टॉयज जिन्हें हम गार्डन को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी एग्जैक्टली जैसे मैं यहाँ पर इन ब्लॉक्स को सेट कर रही हूँ, आपको उसी पैटर्न में इन ब्लॉक्स को फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव या फिर फेविकॉल एंड देन लीव इट ओवरनाइट, और कुछ इस तरीके से आपका DIY बुक एंड रेडी है। बट आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं और जो भी आपके वुडन ब्लॉक्स और टॉय है उसे सेम कलर में या डिफरेंट कलर में जैसा आप चाहें उसे पेंट भी कर सकते हैं, और एक बार ये जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो इस टॉय को वुडन ब्लॉक्स के साथ में फिक्स कर दीजिए। अब आप इसे कुछ इस तरीके से दोनों एंड में बुक्स को होल्ड करने के लिए रख सकते हैं, एंड बिलीव मी ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट भी लगता है। या फिर बच्चों के जो फिगरीन टॉयज होते हैं सुपरमैन या बाबी डॉल्स, ये भी बुक एंड की तरह यूज किए जा सकते हैं कुछ इस तरीके से बुक्स को होल्ड करने के लिए। अगर छोटे फिगरीन्स हैं उन्हें भी आप बहुत आराम से एज अ बुक एंड यूज कर सकते हैं, है ना, एक बहुत ही क्रिएटिव वे इन सारे टॉयज को अच्छे से यूज कर। मॉनसून में एक अजीब सी स्मेल आती है तो उसके लिए आप DIY फैब्रिक फ्रेशनर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड करना है 1 कप ऑफ वाटर, 1/2 कप ऑफ रबिंग अल्कोहल या फिर हैंड सैनिटाइजर, आपकी पसंद का एसेंशियल ऑयल और लास्ट में 10-15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। इसे अच्छे से शेक करिए और जब भी आपको लगे कि आपके घर में एक मस्टी स्मेल आ रही है तो आप इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, जैसे कि सोफा, बेड, कुशन कवर्स या फिर कर्टन्स, और इसकी वजह से आपके घर में बहुत अच्छी से स्मेल आने लगेगी। ऑप्स पे जो माइक्रोफाइबर डस्टर होता है ये टाइम के साथ ब्लैक पड़ जाता है, तो इसे क्लीन करने के लिए ऐड करिए 1/2 बकेट ऑफ हॉट वाटर, थोड़ा सा डिटर्जेंट, रिन फैब्रिक व्हाइटनर, एंड लास्ट में इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे 2 कैप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपका ये जो मॉप है इसे आपको इमर्स करके रखना है, आप चाहें तो 5-6 आवर्स रखें या ओवरनाइट इसे इसके अंदर इमर्स करके रखिए, आपको हाथ से इसे बिल्कुल क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और जब आप इसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखेंगे तो जो आपका मॉप है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ लंच बॉक्सेज एट होम जो कि हमें यूजुअली गिफ्ट में मिलते हैं, या फिर इस तरीके के चॉकलेट और आइसक्रीम के कप्स,
तो इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह आप इन्हें यूज कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर. इफ यू हैव किड्स एट होम देन यू कैन यूज दीज बॉक्सेस टू ऑर्गेनाइज द टॉयज. जैसे कि इस एक बॉक्स के अंदर मैं रखूंगी छोटे छोटे एनिमल टॉयज और दूसरे बॉक्स को मैं यूज करूंगी टू ऑर्गेनाइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉट व्हील्स. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बॉक्सेस आर दीज आर ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड एट द बॉटम, सो इसे लेबल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है. यू कैन ऑल्सो यूज ओल्ड डिस्कार्डेड प्लास्टिक लंच बॉक्सेस टू ऑर्गेनाइज द टॉयज. सेम टाइप्स के बॉक्स होंगे तो आप उन्हें इस तरीके से स्टैक करके वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं. लंच बॉक्स के अंदर अगर अच्छे से क्लोज करने की ग्रिप है तो आप उसे जैसे चाहें वैसे रख भी सकते हैं. ड्रिंकिंग ग्लासेस का अगर सेट खराब हो जाए तो उन्हें डिस्कार्ड करने की जगह यूज करिए एज एन ऑर्गेनाइजर. इन ग्लासेस के साथ साथ आपको चाहिए रहेगा प्लास्टिक लिड, चाहे आप इस तरीके का लिड यूज करें या फिर कुछ इस तरीके के. क्यूटिप्स हम सबके पास होते हैं, अगर उन्हें हम इस तरीके से रखें तो वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, तो आप इन्हें ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए. देन यू कैन यूज एनी लिड, आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं. मुझे ये सिल्वर वाला लिड बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज ओवरऑल ये इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. अब आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया में रखें या फिर बाथरूम के काउंटर टॉप के ऊपर, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और लिड होने की वजह से ये हाइजीनिक भी रहेगा.